तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2, 3 एंड पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहाँ पर दो लाइन है जो पास हो रही है 2, 3 से और दोनों पैरेलल एक्सिस पैरेलल है कोऑर्डिनेट एक्सिस से। तो देखो पहली बात तो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो, ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अब ये वाली लाइन जो है वो इन कोऑर्डिनेट एक्सिस से पैरेलल है, तो जो एक्स वाली पैरेलल रहेंगी वो एक्स इज इक्वल टू 2 आएंगी और वाई वाली आएंगी आपको वाई इज इक्वल टू 3। जो वाई इज इक्वल टू 3 वो एक्स से पैरेलल रहेंगी और जो एक्स इज इक्वल टू 2 है वो वाई से पैरेलल रहेंगी, इस तरह से। अब आप देखो इन दोनों का इक्वेशन कैसे बनाएंगे, एक्स माइनस 2 को इधर लेकर आया राइट साइड में कुछ नहीं बचा, y माइनस 3 को इधर लाया राइट साइड में कुछ नहीं बचा, ये दो इक्वेशन बन गई। इन दोनों को कंबाइन कर लो आपको आंसर मिल गया। तो कंबाइन कैसे करेंगे, सिंपल सी बात, अगर आपको पैरेलल की बात कर रहे हैं कि पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इस तरह से सॉल्व करने का, बस y माइनस 3 और दोनों कंबाइन कर रहे हैं इसलिए कंबाइन इक्वल टू 0 कर रहा हूँ। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं क्या बोला आपको, ये बाद वाला जो ब्रैकेट है उसको दो बार लिख लो, क्योंकि यहाँ पर पहले ब्रैकेट में दो टर्म है तो इसलिए इसको मैं दो बार लिख लेता हूँ, y-3 इक्वल टू 0। अब पहले वाले ब्रैकेट के अंदर का जो x है इसको यहाँ लिखूंगा और माइनस 2 को यहाँ लिखूंगा, ठीक है। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, x मल्टीप्लाई बाय y एक्स वाई हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय 3 3x हो जाएगा क्योंकि नंबर पहले लिखते, प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय y 2y हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो जाएगा, 2 3 इज़ 6, माइनस माइनस प्लस क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, एक्स वाई माइनस 3x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, ये आपका आंसर आ गया। आप इसको रीअरेंज कर सकते हो इस इक्वेशन को, तो ये आपका कंबाइन इक्वेशन बन गया, ये आपका कंबाइन इक्वेशन का आंसर आ गया।